हेलो एंड वेलकम एवरीवन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर पोएम जो पोइट आगा शाहिद अली की लिखी गई है वो एक्सप्लेन करेंगे। पोएम को शुरू करने से पहले हमें पोइट के बारे में जानना चाहिए। आगा शाहिद अली कश्मीरी पोइट हैं, इनको द ओनली कश्मीरी इंग्लिश पोइट भी कहा जाता है। आगा शाहिद अली का बर्थ 1949 में हुई। इन्होंने जो है अपनी पहले बैचलर्स की डिग्री कश्मीर यूनिवर्सिटी से की है, फिर मास्टर्स की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, फिर उसके बाद 1975 में से यूएस चले गए, वहीं पे इन्होंने जो है पीएचडी की डिग्री की है और फिर वहीं पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने एज प्रोफेसर टीचिंग करवाना शुरू की। शाहिद अली की अगर राइटिंग्स की बात की जाए तो इनकी पोइट्री में हमें ज़्यादातर लव, लॉन्गिंग एंड नॉस्टैल्जिया जैसी थीम्स देखने को मिलती हैं। इनकी पॉइंट्स में हमें कहीं कहीं पे हिंदू एंड मुस्लिम्स जो इंडियन कल्चर्स है वो भी देखने को मिलता है। आगा शाहिद अली की अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इन्होंने इंग्लिश के अंदर जो है गज़ल फॉर्म पोइट्री को इंट्रोड्यूस जो है इंग्लिश के अंदर किया है। आई थिंक पोइट के बारे में इतना काफ़ी है, अब हम पोइम पे आते हैं। पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, देखिए पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर जो पोइम है आगा शाहिद अली की 1987 में पब्लिश करदा बुक द हाफ इंच हमालियास की ओपनिंग पोइम है। इस पोइम के अंदर पोइट जो है एक पोस्ट कार्ड अपनी कंट्री से रिसीव करता है और उस पोस्ट कार्ड पे एक फ़ोटो होती है उसकी कंट्री की, दैट मीन्स कश्मीर की फ़ोटो होती है। जब उस फोटो पे जो देखता है, इसको देखने से अपनी कंट्री याद आ जाती है और अपनी कंट्री के प्रति इसको कितनी मोहब्बत है, कितना सन्सियर और डीप लव है इसको अपनी कंट्री के प्रति, वो इसको याद आ जाता है और फिर उसी को एक्सप्लेन करता है। और ये इस अपनी पोइम के अंदर ये चीज़ बयान कर रहा है कि इसकी कंट्री पहले कैसे हुआ करती थी, इस वक्त इसकी कंट्री कैसी है, क्योंकि जिस वक्त आगा शाहिद अली वहाँ पे पोइम्स लिख रहा है उस वक्त कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा टेरिबल थी, जहाँ पे वार हो रहा था, रिस्ट्रिक्शन वगैरह चल रही थी, तो तभी जो है पोइट को ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं और इन चीज़ों को जो है अपनी पोइम के अंदर लिखता है। तो चलिए आप पोइम को शुरू करते हैं, हमें पूरा समझ आ जाएगा। पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, देखिए फ्रेंड पोस्ट कार्ड, पहले पोस्ट कार्ड हम एक ऐसे कार्ड को बोलते हैं जिस पे एनवलॉप नहीं होता। पोस्ट कार्ड अगर आपने देखा होगा उस पे ऊपर विशेज लिखी होती हैं, डायरेक्ट ऊपर विशेज लिखी होती हैं, जिस तरह इनविटेशन कार्ड पे ऊपर एनवलॉप में बंद होता है या कोई और लेटर होती है उस पे एनवलॉप होता है, इस तरह पोस्ट कार्ड पे ऊपर एनवलॉप नहीं होता। दैट मीन्स इस पे जो भी किसी को अगर बर्थडे विश लिखी होगी या कुछ और लिखा होगा तो कोई भी रीड कर सकता है, ठीक है। कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेलबॉक्स, और पोस्ट कार्ड पे आपने देखा होगा फोटो भी होता है एक साइड पे और एक साइड पे राइटिंग भी होती है और उस पे फोटोज़ भी होते हैं, वैसे ही वो डिज़ाइन किया गया होता है जस्ट ऐसे भी कोई रीड करने के लिए, किसी को बर्थडे विश करनी हो या कोई और विश करनी हो किसी को, तो उसके लिए पोस्ट कार्ड होता है। कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेलबॉक्स माय होम एंड नीड फॉर बाय 6 inches। देखिए पोइम की पहली लाइन्स के अंदर ही हमें ऐसा लगता है, हमें ये चीज़ परसीव होती है, ये चीज़ पता चलती है कि पोइट एक पोस्ट कार्ड रिसीव करता है, पोस्ट कार्ड अपनी कंट्री से रिसीव करता है जिस पे एक फोटो है। कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेलबॉक्स, श्रिंक्स की मीनिंग होती है कम होना, साइज स्मालर इन साइज, ठीक है, सुकड़ना। दैट मीन्स जो फोटो है इसका, जो कश्मीर है वो अब सिमट चुकी है इस फोटो पे, जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो फोटो है इसकी कंट्री का उसमें सिमट चुकी है। कश्मीर श्रिंक्स इनटू माय मेल बॉक्स माय होम एंड नीड 4x6 inches। देखिए पहली लाइन में ही हमें पता चलता है अपनी कंट्री के प्रति कितना ज़्यादा पेट्रियाटिक है, कितना ज़्यादा लव है इसको अपनी कंट्री के प्रति। माय होम एंड नीड 4x6 inches के इसका जो घर है, जिस तरह इसमें क्लीन नज़र आ रहा है, ये जो कश्मीर जो है फोटो के अंदर जितना क्लीन नज़र आ रहा है, ये ऐसा विश करता है, ऐसा चाहता है, इसको ऐसी सोच आती है कि कश्मीर इस वक्त भी उतना ही अच्छा होगा। हालांकि कश्मीर के अंदर इस वक्त वार चल रहा है और डिस्ट्रक्शन पीस चल रही है, बट इस कश्मीर के अंदर पॉवर्टी भी है, अनडेवलपमेंट भी है बहुत ज़्यादा, इन सब के बावजूद भी पोइट ऐसा विश करता है कि इस फोटो की तरह इसकी कंट्री भी बिल्कुल नीट होगी, ठीक है। पहले जो थी कश्मीर, ये एक कश्मीर हुआ करता था जो हिमालय के अंदर, जो था हिमालय के ट्रांस हिमालय में, जो ट्रांस हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो रेंज पड़ता था, ये पूरा एक कश्मीर था। दैट मीन्स आज तो कश्मीर जो है डिवाइड हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान और कुछ चाइना के पास है, और अब ये जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड एरिया, और इसी वजह से इस पे वार्स वगैरह चलते रहते। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस, नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयस इन माई हैंड। देखिए जब ये इस पोस्ट कार्ड पे फोटो देख के इसको अपना कश्मीर तो पूरा याद आ जाता है ना। आई ऑलवेज लव्ड नीटनेस, कहता है कि इसको हमेशा सफाई पसंद है। नीटनेस क्यों बोलता है, यहाँ पे नीटनेस इसका कहने का मतलब है, एक तो ये मीनिंग निकलती है कि शाहिद अली को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दूसरी इसकी मीनिंग अगर देखें हम रियल इसकी मीनिंग, तो वो ये निकलती है कि पोइट को ये जो वार और डिस्ट्रक्शन इस वक्त कश्मीर के अंदर चल रही है, जो वहाँ पे वायोलेशंस हो रही हैं, ह्यूमन राइट वायोलेशंस हो रही हैं, या तरह तरह के मुजालम्स हो रहे हैं, उन सबसे पोइट को नफरत है, पोइट को पीस एंड कामनेस से बहुत ज़्यादा प्यार है।
नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड. तो पॉइंट जो है इस कार्ड को और उस फोटो पे जो इसकी कश्मीर का फोटो है उस पोस्ट कार्ड पे, उस पे गौर करने से इसको ऐसा परसीव होता है, इसको ऐसा लगता है कि अब जो ये जो कश्मीर है ये एक फोटो ही है. दैट मीन्स अब कश्मीर ऐसा नहीं है, क्योंकि फोटो में तो पूरा इकट्ठा है ना कश्मीर. दैट मीन्स इसमें इंडिया के पास जो है, पाकिस्तान के पास है, जो चाइना के पास है, हिमालय के रेंज में जितना भी कश्मीर आ रहा है वो पूरा इकट्ठा है, लेकिन हकीकत में इकट्ठा नहीं है. तो पॉइंट तभी इस बात पर स्ट्रेस कर रहा है, नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड, कि अब जो है इसको जो कश्मीर है इसने अपने सिर्फ इसने अपने हाथ में ही रखा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है. हकीकत ये है कि वो डिवाइडेड है और वहाँ पे इस वक्त वार डिस्ट्रक्शन और अनडेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है. क्योंकि आपने देखा होगा जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया. अगर हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, देखते हैं जब इंडिया को हम देखते हैं, अपनी कंट्री को देखते हैं, जहाँ पे अनडेवलपमेंट, पॉवर्टी और ऐसी चीज़ें देख के हमें बहुत ज़्यादा दुख और जलन होती है, हर एक बंदे को होती है. इसी तरह शाहिद अली को भी ऐसा हो रहा है. दिस इज़ होम एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम. देखिए अब जो पॉइंट है वो कहता है दिस इज़ होम, कि ये घर है, ये इसका घर है. उस फोटो पे फोटो को जो कहता है कश्मीर को अपना घर मानता है, स्टिल पॉइंट को इतनी ज़्यादा मोहब्बत है अपनी कंट्री से कि उसको अपना घर मानता है. हालांकि कश्मीर पॉइंट जो है US के अंदर रह रहा है और ज़िंदगी में कभी वापस वो लौटा भी नहीं है इंडिया में, बट स्टिल कश्मीर को अपना घर समझ रहा है. एंड दिस द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम. और पॉइंट को ऐसा लगता है कि शायद आज ये जो है अपनी कंट्री के बहुत ज़्यादा नज़दीक है. दैट मीन्स ये जो इसने फोटो अपनी देखिए, इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा पेट्रियाटिक है और कितनी ज़्यादा मोहब्बत और कितनी ज़्यादा लॉन्गिंग है पॉइंट को अपनी कंट्री के प्रति. कहते हैं कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट, कि शायद ये आज बहुत करीब है अपनी कंट्री के और शायद कि इससे ज़्यादा करीब कभी ना जा पाए. आई विल एवर बी टू होम, शायद कि इससे ज़्यादा ये कभी भी अपने घर के करीब ना जा पाए. तो इससे हमें पता चलता है कि पॉइंट जो है अब कश्मीर वापस नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता, इसकी तो एक मीनिंग, ये मीनिंग नहीं निकलती इससे कि वो घर नहीं आ सकता, मतलब उसको बंद कर दिया है, उसको आने नहीं देते. नहीं, मतलब पहले जो इसका घर था अब तो डिवाइडेड हो चुका है ना घर. पहले जो घर एक हुआ करता था वो अब घर नहीं है, अब उसके अंदर वार चल रही है, जंग चल रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, अब वो घर घर नहीं रहा. तो शायद कि ये अब कभी ना आ पाए. आज ये बहुत करीब है अपने घर को देखा हुआ देख रहा है, मतलब ये जो इस वक्त कश्मीर जो है तीनों पार्ट इकट्ठे हैं इस फोटो के अंदर, लेकिन हकीकत में तो इकट्ठे नहीं. अगर ये घर में आएगा तो इसको इकट्ठे नहीं मिलेंगे वो. लेकिन पॉइंट कहता है कि शायद कि वो इस घर के करीब आज पहली बार, इतने करीब पहली बार गया है, शायद कि अब कभी वो इस कार के करीब ना जा पाए. When I return, the colors won't be so brilliant. पॉइंट कहता है कि इनकेस जब ये घर लौटेगा तो जो कश्मीर जो है इतना खूबसूरत था, इतना पीसफुल था, इतना काम था, वैसा नहीं होगा. द कलर्स वॉन्ट बी सो ब्रिलियंट, उतना खुशहाल नहीं होगा, उतना डेवलप्ड नहीं होगा, उतना पीसफुल कश्मीर अब नहीं होगा जैसे पहले था. द जेलम्स वाटर सो क्लीन. देखिए अब इसने जो है उस पोस्ट कार्ड की वजह से इसको पूरे अपना कश्मीर का पूरा सीन याद आ चुका है, पूरी पूरी चीज़ें कश्मीर के अंदर याद आ गई है इसको. द झेलम्स वाटर सो क्लीन, वो नदियाँ, वो झेलम जो कश्मीर के अंदर बह रही है, जितनी शफाफ हुआ करती थी अब वो उतनी शफाफ भी नहीं रही होगी. सो अल्ट्रा मराइन, अब जो है उतनी क्लियर और शफाफ नहीं होगी उसका पानी, जितना पहले साफ और शफाफ उसका पानी हुआ करता था अब वैसा नहीं हुआ होगा. वो ख़राब हो चुका होगा, अब वो प्लूटेड हो चुका होगा, क्योंकि वहाँ पे वार चल रहा है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे गरीबी जो है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं. तो वहाँ पे का जो नदियाँ है वो भी अब वैसी नहीं होगी. माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड. लेकिन इस सब के बावजूद भी पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा अपनी कंट्री के प्रति इसका जो सन्सियर लव है वो अपना लव शो करता है और बहुत ज़्यादा अपनी मोहब्बत शो करता है, अपनी पेट्रियाटिकनेस शो करता है. माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड, कि लेकिन फिर भी इसको अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. एंड माई मेमोरी विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस. पॉइंट कहता है कि इसको अब याद नहीं, इसको जो फोटो पे गौर करके, जो इस पोस्ट कार्ड पे जो फोटो है उस पे गौर करके कहता है कि इसको अब याद नहीं, क्लियर नहीं, इसको आउट ऑफ फोकस. आउट ऑफ फोकस का मतलब है कोई चीज़ क्लियर ना होना. अब कहता है कि इसको क्लियर नहीं कि इसकी कंट्री पहले कैसी थी, मतलब पहले कितनी क्लीन थी या कैसी थी, कितनी ब्यूटीफुल थी, कितनी काम थी, है ना, वैसी इसको अब याद नहीं. इन इट ए जेंट नेगेटिव, लेकिन इस जेंट नेगेटिव, इसके अंदर इस नेगेटिव, इस ब्लैक एंड वाइट फोटो को देखकर ये गैस कर रहा है. इन इट ए जेंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्टिल अनडेवलप्ड. तो पॉइंट को अब याद नहीं है कि पहले इसकी कंट्री कितनी ज़्यादा अनडेवलप्ड थी या डेवलप्ड थी या वहाँ कैसी थी, लेकिन इस इन जेंट नेगेटिव, लेकिन इस नेगेटिव से, इस ब्लैक एंड वाइट फोटो से वो पता लगा रहा है कि इसकी कंट्री जो है अभी अनडेवलप्ड है, अभी उसने उतनी डेवलपमेंट नहीं की है, वहाँ पे डिस्ट्रेस है, वहाँ पे पीस नहीं है, वहाँ पे वार चल रहा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस हो रही है. उस वो जो लैंड का पीस है, कश्मीर की लैंड का पीस, अब वो डिस्प्यूटेड पीस बन चुका है. जो कभी ब्यूटीफुल कश्मीर हुआ करता था अब वो एक बैटल ग्राउंड बन चुका है, वैसा काम और क्वाइट अब नहीं है. बट इस सब के बावजूद भी पॉइंट ने ऊपर कहा कि उसको अपने कंट्री के प्रति बहुत ज़्यादा मोहब्बत है. वो विश करता है कि एक दिन उसकी कंट्री जो है ब्लूम करेगी, एक दिन उसकी कंट्री में खुशहाली आएगी, पीस
पीस आएगा और इसकी कंट्री जो है डेवलपमेंट करेगी और आगे बढ़ेगी। पॉइंट ऐसा जो है इस सब के बावजूद भी विश करता है और इसकी जो है वो कहता है माई लव सोवर एक्सपोज्ड कि इसको अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आगा शाहिद अली के बारे में एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि आगा शाहिद अली जो है अपनी कंट्री को लेकर और अपने कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक था। एक बार मैं इसकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो वहाँ पर राइटर ने लिखा था कि जब जब वहाँ पर टीचिंग करवाते थे अगर इनको एशियन, देखिए उसने जो लिखा था एशियन, अगर कोई बंदा अपनी कंट्री का भी नहीं लिखा था, एशियन अगर कोई वहाँ पे जब बच्चा या कोई स्टूडेंट वहाँ पे मिलता था तो आगा शाहिद अली उसको बोलते थे कि आप एशियन हो, आप वहाँ से आते हो, और बड़े वार्मली उससे मिलते थे, उसका वेलकम करते थे। तो दैट मीन्स अपने लोगों से भी इसको इतना प्यार था। तो इससे पता चलता है कि आगा शाहिद अली अपनी कंट्री से कितना ज़्यादा मोहब्बत करता था और कितना ज़्यादा पेट्रियाटिक था। अनफॉर्चुनेटली आगा शाहिद अली अपने घर तो कभी लौटे नहीं 1975 के बाद। इनकी जो डेथ है 2001 में वहीं पे जो है हो चुकी थी, वहीं पे हुई और फिर इनको नॉर्थहैम्पटन में जो है बरी किया गया। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। जितना मुझे हो सकता था मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर भी अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई बात छूट गई है या फिर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे इसको इम्प्रूव करने की और जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो है हम इसका एनालिसिस जो है इसकी समरी जो है अपने ब्लॉग पे डाल देंगे जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि बंदे में दम है, बंदा आगे भी वीडियोस बना सकता है, तो आप बिल्कुल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर में हम जो है ऐसी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो भी हम वीडियोस जो है रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पे ही बनाते हैं। अगर आपको भी किसी कंसेप्ट के अंदर जो है कन्फ्यूजन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, आप हमें हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी writeus@hellopatriotic.com पे जो है ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह सुनर या लेटर हम जो है उस कंसेप्ट को एलाबरेट करेंगे और वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस टाइम।